करेंगे। राम नाम मैल मरिया हमका कुछ ना देगा। हाय 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 मैल मरिया हमका कुछ ना देगा। हाय 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 मैल मरिया हमका कुछ ना देगा। हाय 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 मैल मैल मरिया हमका कुछ ना देगा। हाय 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 मैल कड़कड़ाते हुई ठंड में राजधानी लखनऊ में कई धरने चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा नंविदा कर्मचारी 101 मतलब 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों पर अभी विचार नहीं किया गया और इनके अध्यक्ष खालिद और मंत्री देवेंद्र पांडे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराजन का पुतला भी पूरे प्रदेश भर में जगह जगह संविदा कर्मचारियों ने फूंका। जानते हैं कि अभी अधिकारी भी आने वाले हैं, डीसीपी राघवेंद्र तिवारी आने वाले हैं मध्य के, जो इनका ज्ञापन लेंगे। कहीं ना कहीं कई ज्ञापन हो चुके हैं, आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन अभी मांगों पर किसी तरह की ठोस वार्ता नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे आज? आज हम लोग 101 दिनों से इको गार्डन में अपने न्याय संगत मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। पूर्व नोटिस के तहत आज राजभवन पर हम लोगों का धरना देकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, लेकिन वीवीआईपी गेस्ट हाउस हजरतगंज लखनऊ पर ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक करके गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में छोड़ दिया गया। क्या लगता है खालिद जी, कई वार्ताएं हुई, आज फिर से एक ज्ञापन देने वाले हैं, क्या लगता है कोई निष्कर्ष निकलेगा या जवाब 22 के चुनाव में ही देंगे कर्मचारी? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार जो अधिकारी आ रहा है उसको मैं ज्ञापन दे रहा हूं, जो डीजीपी आ रहे हैं उनको मैं ज्ञापन दे रहा हूं, जो सरकार के मंत्री आ रहे हैं उनको मैं ज्ञापन दे रहा हूं, हज़ारों की तादाद में पूरे प्रदेश भर से इनको ज्ञापन दिए गए हैं और कोई ज्ञापनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये मान के चलिए कि हम लोग संविदा कर्मियों के लिए कोई भी सरकार में कहीं पर से कोई जगह है ही नहीं। अच्छा, आज पुतला जो फूका गया है पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों पर पुतला फूका गया है चेयरमैन का? देखिए, 75 जिलों में आज 7:05 बजे पुतला फूका गया है और कई जगहों पर कई जनपदों में गिरफ्तारियां भी दी गई हैं। जैसे कि पुलिस प्रशासन ने हमें वीवीआईपी गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया, वैसे ही लोगों को पता चला तो लोगों ने अपनी गिरफ्तारी वहां पर दी और पुतला फूक के विरोध जाहिर किया। तो जिस तरीके से हमारी सरकार सुनेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है हम लोग रोड पर उतरेंगे। लगता है आंदोलन अभी चुनाव तक चलने वाला? बिल्कुल चलेगा, जब तक कि चुनाव जब तक ही रहेगा, जब तक कि मैं लगातार आंदोलन करता रहूंगा और अगर मेरी मांग चुनाव से पहले नहीं पूरी हो जाए नहीं होगी तो मैं इस सरकार को आने नहीं दूंगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में आज उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ के लोगों ने पुतला फूका। चेयरमैन एम देवराजन का साफ तौर पर लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक लंबा आंदोलन करने के बाद भी सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जाती है। आने वाला 22 का चुनाव है, लगता है कि चुनाव तक ही यहां पर ये संविदा कर्मचारी डेरा डालेंगे। अभी आला अधिकारी आने वाले हैं, इनके ज्ञापन को लेने वाले हैं और फिर शायद कोई ठोस वार्ता या कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा या 22 के चुनाव में ये सभी कर्मचारी अपने वोट के माध्यम से सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ से।